तुर्की के अंकारा में बुधवार को एक सरकारी विमानन कंपनी के बाहर धमाका हुआ है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बाहर धमाके के साथ गोलाबारी भी हुई। अंकारा में हुए इस आतंकी हमले के कुछ ही घंटों बाद तुर्की ने इराक और सीरिया पर हमला कर दिया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस हमले के जवाब में इराक और सीरिया में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी KVP के ठिकानों पर हमला किया गया। इससे पहले तुर्की के गृह मंत्री अली यालिकया ने अपने एक्स अकाउंट पर इस हमले को आतंकवादी हमला बताया। उन्होंने लिखा, इस हमले में कुछ शहीद हुए हैं और कई जख्मी हुए हैं। सोशल मीडिया पर चल रहे CCTV के फुटेज में देखा जा सकता है कि विमानन कंपनी के भीतर दो हथियारबंद आदमी हैं। तुर्की के गृह मंत्री ने भी दो हमलावरों के होने की बात कही। तुर्की की ये हथियारों और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी सरकारी कंपनी है जिसका मुख्यालय राजधानी अंकारा के नज़दीक है। ये कंपनी सैन्य नागरिक विमान और हेलीकॉप्टर बनाती है। इसके अलावा कंपनी तुर्की के सेना के लिए ड्रोन सिस्टम भी बनाती है। ये कंपनी दुनिया के कई देशों को हथियार और ड्रोन का निर्यात भी करती है। तुर्की ने दुनिया के दूसरे देशों पर हथियारों की निर्भरता कम करने के लिए ये कंपनी बनाई थी। इस कंपनी के निर्माण में नेटो के एक सदस्य देश की अहम भूमिका रही है और यहाँ अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमानों का निर्माण भी होता है। साथ ही इस कंपनी में पुराने लड़ाकू विमानों को आधुनिक बनाने का काम भी होता है। ऐतिहासिक रूप से ऐसे हमलों के लिए कुर्दिश अलगाववादियों को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। कुर्दिश अलगाववादियों का कैंप उत्तरी सीरिया में है। इन इलाकों में तुर्की की वायुसेना लगातार एयर स्ट्राइक करती रही है, लेकिन तुर्की में इस्लामिक स्टेट की भी मौजूदगी है। जिस टर्किश एरोस्पेस कंपनी पर हमला हुआ है उसके बनाए ड्रोन से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध का पूरा समीकरण बदल गया था। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तब शुरुआती दिनों में तुर्की में बने ड्रोन से ही रूसी टैंक को निशाने पर लिया जाता था। बाद में यूक्रेन ने खुद ही ड्रोन बनाना शुरू कर दिया। अब इस मामले की जाँच शुरू हो गई है। जाँच से ही पता चलेगा कि इस हमले में किसे फ़ायदा होगा और ये हमला क्यों किया गया। 23 अक्टूबर को तुर्की में हुए हमले में हमलावरों ने 5 लोगों की हत्या कर दी और 22 लोगों को घायल कर दिया। घायलों में से 2 की हालत नाजुक है। अली ने बताया कि हमले के बाद दोनों आतंकी मारे गए। इसके बाद 23 अक्टूबर की देर रात को तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि तुर्की वायुसेना ने उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया में एयर स्ट्राइक किया और PKK के 32 ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि इस हमले में उनके कई सदस्य मारे गए। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के कजान शहर में हैं। उन्होंने इस हमले की निंदा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो, संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ ने भी हमले की निंदा की है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।